नाज़रीन इकराम, जैसा हम सब जानते हैं कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका एक बड़ी सुपर पावर है। तमाम दुनिया के मुमालिक और तमाम दुनिया के लोग वो इस बात में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि साहब अमेरिका की पॉलिसीज क्या है, अमेरिका में वाकयात क्या हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि साहब ये जो इलेक्शन हुआ नवंबर 2020 में, इसमें कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अमरीकी कैपिटल पर जो पार्लियामेंट है अमरीका की, उस पर बाकायदा हमला किया गया, धावा बोला गया। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से 4 मिलियन पॉपुलर वोट ज़्यादा लिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो हार गईं। अमेरिका के इंतखाबात सिर्फ अमरीकियों के लिए ही तवज्जो का मरकज नहीं होते, बल्कि पूरी आलमी बरादरी की उसमें दिलचस्पी होती है। इराक वॉर के बाद से अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी पूरे वर्ल्ड में, जब उन्होंने ये कहा इराक वॉर में कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं और वो नहीं निकले, खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। तो ये जो चाइना की वॉर जो यूएस के साथ थी, आप समझते हैं कि सर ये जो बाइडन है क्या ये इसको कंटेन करना चाहेंगे? वो एक तरह से चीन के साथ एक सर जंग शुरू कर चुके थे, और क्योंकि उनका ख्याल ये था कि चीन अमेरिका से नाजायज फायदा उठा रहा है। तो जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? एक तरफ तो ठीक है, पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत है, जब तक कि अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो जाता, पाकिस्तान का कलीदी किरदार अपनी जगह बरकरार रहेगा।